Hello everyone. In our previous video, already we had discussed in detail about the components of food. Now we are going to solve the exercise questions what are given in your NCERT textbook. Here the first question is given as, name the major nutrients in our food. So what are the nutrients which are present in our food that we have to name? The major nutrients in our food are, ऑलरेडी दिस वी हैव डिस्कस्ड, न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, आपके फूड के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, आपके फूड में क्या क्या है, आपको उससे क्या मिल रहा है, दैट इज़ नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट्स. वी आर गेटिंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम आवर फूड, प्रोटीन वी आर गेटिंग, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, दीज थिंग्स वी आर गेटिंग अवर फ्रॉम अवर फूड. दीज आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स. अदर देन दैट यू आर हैविंग डाइटरी फाइबर्स ऑल्सो, बट मेजर न्यूट्रिएंट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, fats, vitamins and minerals. These are the five major nutrients what we are getting from our food. Now let's see the second question. Name the following. So what you have to do, a statement is given, for that you have to write its answer in one word. The nutrient which mainly give energy to our body. So already we had seen the five nutrients are there which are major. In that, which is giving energy to our body, which nutrient will give energy? It's nothing but carbohydrates. Carbohydrates are the major source for the energy. They'll give the more energy to our body. The second point, the nutrients that are needed for growth. Hamari jo growth hai aur hamara jo maintenance of our body hai, uske liye hamare which nutrient is needed? So the proteins. The proteins are there which we need for our growth. प्रोटीन्स से आपकी बॉडी की ग्रोथ होता है और आपका बॉडी का मेंटेनेंस होता है. सो द न्यूट्रिएंट्स विच आर गिविंग ग्रोथ एंड मेंटेनेंस दैट आर नथिंग बट प्रोटीन्स. फर्स्ट वन आपका था विच इज़ गिविंग एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट्स आर गिविंग एनर्जी टू अस. सेकेंड, विच आर हेल्पिंग टू ग्रोथ एंड इन मेंटेनेंस, जो हमारी ग्रोथ और जो मेंटेनेंस के लिए हेल्प कर रहे हैं दैट आर प्रोटीन्स. नाउ लेट अस सी द सी क्वेश्चन व्हाट इट इज़ गिवन हियर. अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट. आपका आइज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो विटामिन है, वॉट इज़ दैट विटामिन? विच इज़ नथिंग बट विटामिन ए. विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट फॉर अवर आइज, फॉर अवर आइज हेल्थ इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल विटामिन ए. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बिट, अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी. दिस ऑलरेडी वी हैड डिस्कस्ड, जो हमारी बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ नथिंग बट कैल्शियम. अगर आपके पास कैल्शियम अच्छा है देन ओनली यू विल हैविंग द बोन्स, योर बोन्स विल बी हेल्दी. नाउ द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन वी विल सी, नेम द फूड्स, एनी टू, यू कैन राइट एनी टू फूड्स विच आर रिच इन. सो फॉर फर्स्ट वन इट इज़ गिवन फैट्स, तो मतलब है आपको कि फैट्स, आपको कौन सी फूड आइटम से फैट मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट घी एंड बटर. सो घी से भी आपको फैट मिलता है और बटर से भी फैट मिलता है. सेकेंड, स्टार्च. स्टार्च इज़ नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसी को स्टार्च भी बोलते हैं और ग्लूकोज भी बोलते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च आपको मिलता है पोटैटो और राइस से. अगर आप राइस ज़्यादा खा रहे हो और पोटैटो ज़्यादा खा रहे हो देन यू विल गेट इट एज स्टार्च. द नेक्स्ट सी, डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स आपको कौन से फूड से मिलता है? इट्स नथिंग बट फ्रॉम स्पैनिज, कैरोट, कैबेज, लेडीज फिंगर, एनी टू यू कैन राइट, एनी टू नेम्स यू कैन राइट डाइटरी फाइबर्स. द लास्ट वन इज प्रोटीन. तो प्रोटीन किस किस से मिल रहा है आपको, कौन से फूड मटेरियल से प्रोटीन्स मिल रहा है? इट इज़ फ्रॉम मिल्क, एग, फिश, मीट, पल्सेस, फ्रॉम दीज ऑल यू आर गेटिंग द प्रोटीन. So for protein also you have to write any two names. Two names will be enough. Now the next question. Tick the statements that are correct. Means you have to write true or false. By eating rice alone, we can fulfill the nutritional requirement in our body. So what it is saying in the first question. सिर्फ आप राइस खाकर आपको सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू, आपको सारी जो एनर्जी है, सारा आपका जो ग्रोथ का वर्क है वो पूरा हो सकता? इज़ इट ट्रू? नो.
Why? Because for our growth, we need different nutrients for our maintenance of the body, for our bones, we need different. So, अलग अलग चीज़ के ग्रोथ के लिए आपको अलग अलग टाइप का फूड लेना है. सो सिर्फ अगर आप सिर्फ राइस खा रहे हो देन इट विल नॉट फुलफिल अवर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स. आपको सारे उससे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे. सो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट विल बिकम फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन, डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट. तो सेकेंड क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट इटसेल्फ इट इज सेइंग डिफिशियंसी डिसीजेज. डिफिशियंसी मतलब अगर आपको किसी चीज़ का, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है आपकी फूड में, तब आपको डिसीजेज होते हैं. तो डिफिशियंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड, उसको आप रोक सकते हो बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, और सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में है, मतलब इट विल नॉट बी अ डिफिशियंसी एट ऑल. सो दैट्स वाई द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. डिफिशियंसी से अगर आपको डिसीजेस से बचना है तो आपको बैलेंस डाइट खाना है. द सी क्वेश्चन इज गिवन, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. यस डेफिनेटली, बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपको सारे टाइप्स के फूड रहना है उसमें. आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलना है, फैट्स मिलना है, प्रोटीन्स मिलना है, मिनरल्स यू शुड गेट, विटामिन्स ऑल्सो यू शुड गेट इन दैट. सो आपका जो फूड है उसमें वराइटी होगी, तभी आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ खा रहे हो देन यू विल नॉट गेट दिस ऑल मटेरियल्स. सो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. बैलेंस डाइट में वराइटी ऑफ फूड रहता. डी क्वेश्चन इज, मीट अलोन इज सफिशियंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी. अगेन इट इज़ फॉल्स. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था कि सिर्फ अगर आप राइस खा रहे हो तो आपको पूरे न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलेंगे. इन द सेम वे अगर आप सिर्फ मीट खा रहे हो देन ऑल्सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स. तो सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए आपको सारी चीज़ें खाना है. सिर्फ एक चीज़ खाकर आपको वो पूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाले. दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ डैश इन अवर फूड. तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब आपको अगर आपका विजन आपका क्लियर नहीं है, आपको डार्कनेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स इट इज़ अ नाइट ब्लाइंडनेस. तो नाइट ब्लाइंडनेस में आपको किस डिफिशियंसी से होता है, इट विल बी ऑफ विटामिन ए. अगर आपकी फूड में आपको विटामिन ए नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से, आपको विटामिन ए की डिफिशियंसी हो गई, देन दैट टाइम यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम द नाइट ब्लाइंडनेस. So with these all, we had finished all the exercise questions which are given in your NCERT textbook. So what we have understood with this, कि आपका जो food है वो balanced diet रहना है. आपको सारे food materials खाना है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही food खा रहे हो daily. So you will not get the proper all nutrients. तो सारे nutrients के लिए आपको सारी food खाना है, and that too in a एक अमाउंट में खाना है. ऐसे नहीं है कि आप सारा टाइम वही फूड खा रहे हो, इट्स देन यू विल बी सफरिंग फ्रॉम द डिसीजेस. तो डिसीजेस से बचने के लिए हमें सारे टाइप्स के फूड खाना है. होप इट इज़ क्लियर फॉर यू ऑल. लाइक दिस वी वॉन्ट टू डू मेनी मेनी मोर थिंग्स फॉर यू ऑल. सो सपोर्ट टू अस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. थैंक यू.